ছাত্রছাত্রীঙ্ক বহুমুখী প্রতিভাকু চিহ্নিবারে শিক্ষকঙ্কর রহিছি বড় ভূমিকা। এইথিলা গুরু দিবসরে দেশবাসীঙ্কু রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দক সম্বোধন। কোভিড পাই ভার্চুয়ালে জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার সমারোহরে যোগ দেইথিলে রাষ্ট্রপতি। এই অবসরের শিক্ষকঙ্ক প্রতি পূর্বতন রাষ্ট্রপতি ডক্টর এপিজে অব্দুল কলামঙ্ক থিবা সম্মানকু মনে পকাইছন্তি। সেইপরি নূয়া জাতীয় শিক্ষানীতি ভারতকু বিজ্ঞানর মহাশক্তি ভাবে প্রতিষ্ঠা করিও বলি কইছন্তি রাষ্ট্রপতি। বিদ্যার্থীঙ্কু এভরি শিক্ষা প্রদান করিবা দরকার যাহা জ্ঞান উপরে আধারিত ন্যায়পূর্ণ সমাজ নির্মাণরে সহায়ক হেব। আমার শিক্ষা ব্যবস্থা এভরি হেবা দরকার যাহা বিদ্যার্থীঙ্ক মধ্যে সাংবিধানিক মূল্যবোধ তথা নাগরিকঙ্ক পাই মূল কর্তব্য প্রতি নিষ্ঠা জাগ্রত করিব। ডক্টর এপিজে আব্দুল কালাম विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इतने उत्साहित रहते थे कि उन्हें जब भी अवसर मिलता था वे अध्यापन कार्य में लग जाते थे। ऐसी विभूतियों ने समाज के निर्माण में शिक्षकों के कार्य की महत्ता को रेखांकित किया है। आप सभी अपने विद्यार्थियों में एक स्वर्णिम भविष्य की कल्पना करने और उसके लिए योग्यता अर्जित करने की प्रेरणा जगा सकते हैं तथा उन्हें सक्षम बना सकते हैं ताकि वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके। गुरु दिवस रे ओडिसारु दुई जणक समेत 44 जण शिक्षकंकु सम्मानित करछंती राष्ट्रपति। दुई ओडियांक सह समस्त गुरुंकु शुभेच्छा जणाइछंती केंद्र शिक्षा और दक्षता विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। से कहिछंती एकविंश शताब्दी रे भारतर भविष्यतकु परिवर्तन करिवे शिक्षक। गंजाम छत्रपुर अंचलर उच्च प्राथमिक विद्यालयर शिक्षक अजित कुमार सेठी এবং ভদ্রক সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক অশোক কুমার শতপথীঙ্কু অভিনন্দন জনাইছন্তি ধর্মেন্দ্র প্রধান। সে কহিছন্তি স্বর্গত ডি প্রকাশ রাও গরিবঙ্কু প্রাথমিক শিক্ষা দেবারে নিজকু সমর্পিত করিথিলে। প্রত্যেক ব্যক্তিঙ্ক জীবন গড়িবারে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীঙ্ক ভূমিকা মহত্বপূর্ণ। খাস করে গুরু দিবসরে রাষ্ট্রপতিঙ্ক অভিভাষণ সমস্তঙ্কু প্রেরণা দেব। রাষ্ট্রর দ্রুত বিকাশ পাই জনে শিক্ষক যেউ ভূমিকা গ্রহণ করন্তি তাহা গুরুত্বপূর্ণ। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी या विश्वेश्वराय जी हमको जो दिखाए हुए मार्ग देखे गए हैं, बताए हुए मार्ग देखे गए हैं, उसी में अगर हम चलें, शिक्षक दिवस पे 133वां जन्मदिन के अवसर पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को वही सबसे सर्वश्रेष्ठ उपहार होगा। आगे की 25 साल दुनिया की एक नंबर की ताकत बनने की ताकत भारत की नौजवानों में है। आप में से आने वाले 25 साल के बाद कोई देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी में होगा, कोई विश्व की यूएन की सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेवारी में होगा और कोई एक छोटी सी झोपड़पट्टी में भी शिक्षक बनके फिर आगे की 25 साल का योजना बनाता होगा। एकविंश शताब्दी रे भारतर भाग्य परिवर्तन करिबा पई अक्लांत परिश्रम पई समस्त शिक्षकों को धन्यवाद जणाइछंती केंद्र मंत्री। सेहिपरि नुआ जातीय शिक्षानीति भारत को नुआ शिखर को नेबाकू संकल्पबद्ध थिबा कहिछंती धर्मेंद्र प्रधान। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।